हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स का जो हमारा सीरीज चल रहा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का थर्ड पार्ट लेके मैं आपके लिए आया हूँ और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं लास्ट वीडियो में आपने मेरा देखा तो मैंने आपको लीनियर कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन दिया हुआ था, लीनियर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दिया था और उसको सॉल्व करने के लिए बोला था। तो बहुत से स्टूडेंट्स का सही जवाब आया। इस क्वेश्चन को बताने के बाद वो सारे स्टूडेंट्स का मैं यहाँ पर नाम भी अनाउंस करूँगा। तो सबसे बहुत लोगों ने ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं चाहता हूँ कि सब लोग ट्राई करें। कुछ लोगों को डाउट है उसके आंसर पर, कुछ क्लियर करना चाहते हैं उसको, तो मैं इस क्वेश्चन को पहले आपको बता देता हूँ। वैसे इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बताया था आपसे, क्वेश्चन बन जाना था, फिर भी बाय द वे नहीं बना, तो मैं इसको आपको कराता हूँ, ठीक है। तो वो मेरा लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था कि हमको लीनियर कॉम्बिनेशन में रैखिक संचय में रिप्रेजेंट करना है -3, 4, 2, 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स था और इसको हमको लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करना था। तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो हम C1, C2, C3 के फॉर्म उसको लिखते हैं। सबसे पहले C1 और पहला मैट्रिक्स, ये मेथड मैं आपको समझाया था। जिस मैट्रिक्स को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना होता है उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं और जिसके फॉर्म में लिखना होता है उसको C1 × C2 × करके लिखते जाते हैं। तो दूसरा है 0110 + C2 और सेकंड नंबर का मैट्रिक्स अपन लिखेंगे -1110 - 1110। ये हो जाएगा और प्लस C3 करके थर्ड मैट्रिक्स को लिखेंगे अपन 0010 0010। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि इस मैट्रिक्स को इसके और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करके C1, C2, C3 का वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको बाद में यहाँ पर पुट अप कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज इसको हम लिख सकते हैं -3, 4, 2, 0 इक्वल C1 का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 0 C1 C1 0 प्लस C2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो -C2 ये C2 C2 एंड 0 प्लस C3 का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 0 0 C3 0। ये हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज आगे इसको हम सॉल्व करें तो -3 4 2 0। अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे तो फर्स्ट एलिमेंट सबके ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 0 - C2 + 0। सेकंड एलिमेंट हो जाएगा C1 + C2 + 0। इस रो में हो जाएगा C1 + C2 + C3 यहाँ 0 + 0 + 0 0 + 0 + 0 दैट मीन्स 0। अब इसके बाद क्या करते हैं, अपन इसका कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 0 है, ये 0 रहता ही है, ये हम इसके इक्वल कर सकते हैं, इसको इक्वल कर सकते हैं और इसको इसके इक्वल कर सकते हैं, क्लियर। तो आगे हम करें तो देयरफॉर ये इसके इक्वल होगा तो हो जाएगा -C2 = -3 देयरफॉर C2 = 3। तो C2 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये कोई भी दूसरा रिलेशन ले लेते हैं, C2 को हम निकाल चुके, इसको ले लेते हैं तो C1 + C2 = 4। C1 + C2 = 4 दैट इम्प्लाइज अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये C2 का वैल्यू हम निकाल के रखे हैं 3, उसको यहाँ पर पुट अप कर देते हैं तो हो जाएगा C1 + 3 = 4 देयरफॉर C1 = 4 - 3 दैट मीन्स 1। ये हमने निकाल लिया किसका वैल्यू, C1 का वैल्यू निकाल लिया। अब जब C1 निकल गया, C2 निकल गया तो C3 निकल जाएगा। ये वाला रिलेशन ले लेते हैं, C1 + C2 + C3 किसके इक्वल है, 2 के। C1 + C2 + C3 = 2 दैट इम्प्लाइज C1 का वैल्यू अपने पास 1 है प्लस C2 का वैल्यू 3 है और प्लस C3 = 2 दैट इम्प्लाइज C3 = 4 - 2 कितना हो जाएगा -2। तो ये है इसका सॉल्यूशन।
बाद में जब आपको इस काम, मैंने अपने वीडियो में पूछा था आपसे कि C1, C2, C3 का वैल्यू आप बता देना सॉल्व करके, क्योंकि पूरा आंसर लिखने में आपको लेंदी होता। अब यहाँ पर जब आंसर लिखेंगे तो C1 के जगह में आप 1 लिख देंगे, जिसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। C2 के जगह में आप लिख देंगे क्या 3, यहाँ पर 3 लिख देंगे, और C3 की जगह में लिख देंगे यहाँ पर -2, और यही इसका लीनियर कॉम्बिनेशन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम उसके वैल्यू को लिखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है, बहुत आसान है, मुझे लगता है बहुत लोगों ने ट्राई नहीं किया। यदि इस तरह से मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ तो आप उसको ट्राई करिए, केवल वीडियो को देखिए मत। आप जब तक, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि मैथमेटिक्स ट्राई करने का सब्जेक्ट है, टीचर से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जब तक आप उसको खुद से सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। मुझे अच्छा लगा कुछ स्टूडेंट ने क्विक रिस्पॉन्स किया, बनाया, और बहुत लोगों ने आंसर दिया। कुछ के आंसर रॉन्ग थे, कुछ के राइट थे। जो राइट आंसर वाले स्टूडेंट हैं, मैं उनका एक बार यहाँ नाम अनाउंस कर दूँ कि उन्होंने सही बनाया। इसमें सही बनाया था अंशु निषाद ने, सही बनाया था, और आरती यादव ने सही बनाया, ललित भाटी ने सही बनाया, और राजपाल सिंह ने सही बनाया। ये जो 4 स्टूडेंट्स हैं उनका करेक्ट आंसर मुझे अपने चैनल पर मिला। आप लोगों को कमेंट्स किया, आप लोगों ने उसको मैं पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आपको रिस्पॉन्स भी किया राइट है करके। कुछ लोगों ने ट्राई किया जिसमें उनके एक आंसर गलत था, 2 सही थे। कुछ लोगों ने यहाँ पर आंसर निकालने मिस्टेक किया, ये दोनों आंसर सही थे। अच्छा है, ट्राई किया, ये बहुत अच्छी बात है, बाकी लोग को भी ट्राई करना चाहिए। ओके, तो ये मेरा प्रीवियस वीडियो में दिए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम आगे चलते हैं नए टॉपिक की ओर। तो मैं जो मल्टीप्लीकेशन आपको समझाया था उस पर बहुत से क्वेश्चन कराए, अब मैं एक स्पेशल क्वेश्चन, जो एक अलग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, वो आपको करा रहा हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन रेयर ऑफ द रेयर क्वेश्चन है ये। और मेरा एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन क्लास अपने कोचिंग में पढ़ाता हूँ तो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जनरली जब मैं होमवर्क देता हूँ स्टूडेंट्स को, तो नेक्स्ट डे ये क्वेश्चन मुझसे जनरली पूछते ही हैं। इस तरह से अपने वीडियो में मैं जितने क्वेश्चन आपको स्पेशल कराऊंगा, आप ध्यान रखना वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो ये क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ करना है अपने को, सिद्ध करना है, प्रूफ दैट सिद्ध करना है अपने का एक क्वेश्चन दोनों साइड से, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये मैट्रिक्स है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा का होल पावर n, इसका होल पावर n है, और ये हमको प्रूफ करना है इसी फॉर्म में मल्टी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको हमको प्रूफ करना है, कॉस n थीटा माइनस साइन n थीटा, साइन एन थीटा एंड कॉस एन थीटा, ये हमको इसको प्रूफ करना है। क्लियर? देखिए, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल पावर एन है, और इसको हमको प्रूफ करना है। इसके यहाँ पर एन सबके थीटा का कोफिशियंट बन गया है, गुणांक बन गया है। देखिए, तो बहुत बेस्ट क्वेश्चन में है और थोड़ा लंबा बनता है क्वेश्चन, बहुत अलग टाइप का इसका कॉन्सेप्ट है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से समझिए और इस प्रोसेस को आप दिमाग में बिठाइए, इसके बाद इस तरह का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इस क्वेश्चन को जिस मेथड से हम बनाते हैं उसको बोला जाता है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, 11th क्लास में आपने पढ़ा है, हिंदी में बोलते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत, जो आप बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय में के ठीक पहले पढ़ते हैं 11th क्लास में। तो मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस होता क्या है, गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है। मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस में हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन को, जो n का वैल्यू दिया हुआ है उसको 1 के लिए और 2 के लिए प्रूफ करके बता देते हैं कि हमारा रिलेशन 1 और 2 के लिए सही है। बाद में उसको हम k के लिए सपोज कर लेते हैं और उसको हम शो कर देते हैं कि वह k+1 के लिए भी सही है। तो इस प्रकार से मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस है, वो प्रूफ हो जाता है कि गिवन रिलेशन सही है। ये इसका प्रोसेस है, ठीक है, ये रेयर है और आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इफ़ एन इक्वल टू 1, सपोज कर लेते हैं कि सपोज एन का वैल्यू 1 है,
यदि n इक्वल टू वन हो देन, तब उस कंडीशन में हमारा ये क्वेश्चन किस प्रकार से हो जाएगा देखिए, तब हम अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, और हमने n का वैल्यू 1 लिख दिया, तो ये 1 इसको लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया, और दैट इक्वल यहाँ पर भी सब n के जगह 1 लिख देंगे, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos n थीटा, ये अब आप देखो n इक्वल टू रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड, राइट हैंड साइड को देखो दोनों सेम है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं विच इज ट्रू, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है, ऑब्वियसली दिख रहा है ये इसके बराबर है, मतलब गिवन रिलेशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू वन, द गिवन रिलेशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू वन, दिया गया जो संबंध है वह n इक्वल टू वन के लिए सत्य है। अब हमको उसको दो के लिए सत्य करना पड़ेगा, तो सपोज अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं इफ n इक्वल टू टू देन, तब हम देखते हैं यदि n इक्वल टू टू कर दें तब हम देखते हैं, देखिए तो यहाँ पर n इक्वल टू टू रखने पर क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा का पावर 2 इक्वल, यहाँ भी हम 2 रख दें n के जगह में, तो cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और यहाँ पर ये आना चाहिए, खैर इसको मैं इस फॉर्म में ना लिख के डायरेक्ट मैं आपको सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखता। अब मैं इसका आपको वैल्यू फाइंड करके बता देता हूँ ना, तो n इक्वल टू 2 यहाँ पर 2 रख दिया, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को लिया, अब हम दिखाएंगे कि राइट हैंड साइड में 2 के लिए भी सही है, तो स्क्वायर को हम दो बार लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा cos थीटा इनटू, स्क्वायर को हम दो बार लिख सकते हैं, तो ये हम लिख लेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हम इसको n इक्वल टू वन के लिए सही दिखा दिए, अब हमको इसको n इक्वल टू टू के लिए सही दिखाना है, तो हम इसमें n इक्वल टू टू पर पुट कर दिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर को हम क्या कर दिए दो बार लिख दिए इन टू करके, अब हम क्या करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, अब ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई करना आपको पता है दोनों 2×2 का है, तो इसके रो को हम इसके कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई का प्रैक्टिस आप लोग को अच्छे से हो गया है ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। तो cos थीटा का cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा का sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस है, तो हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब नीचे के रो में चले आएंगे तो इस रो का मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा का cos थीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा का sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा cos थीटा साइन थीटा का cos थीटा के साथ साइन थीटा cos थीटा, और फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए सेकंड रो में चले आएँ तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आपको समझाने के लिए मैं राउंड करता हूँ बाकी आपको डायरेक्ट करना है, cos थीटा का इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा cos थीटा, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस साइन थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई हमने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका इसके साथ हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख दिया, क्लियर दैट इक्वल। देखिए अब इसको हम सॉल्व करें तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है फार्मूला किसका cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस को यदि मैं कॉमन कर लूँ तो साइन थीटा cos थीटा और इंटू cos थीटा साइन थीटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस, एक बार मैं लिख देता हूँ, चलिए हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा,
ये हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको भी अभी मैं इसके ओरिजिनल फॉर्म में रख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस को पहले लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पता है, ये होता है किसका फार्मूला, कॉस 2 थीटा का फार्मूला, ये होता है साइन 2 थीटा, तो हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है और इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पर आप देखिए कि जब हमने इसका स्क्वायर n इक्वल टू 2 के लिए जब इसको स्क्वायर किया तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आया, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या आया, 2, यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ भी 2 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसका स्क्वायर किए मतलब n का वैल्यू 2 रखे तो यहाँ पर भी सब n के जगह में 2 आ गया, तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं विच इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू 2। तो यह क्या है, 2 के लिए भी प्रूफ हो गया। ऐसे हम 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, सबके लिए कर सकते हैं, लेकिन इतना तो हम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लेंदी वर्क हो जाएगा। इसी को हम मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस करते हैं कि जब ये 1 के लिए प्रूफ हो जाए, 2 के लिए प्रूफ हो जाए, तो हम उसको सपोज कर लेते हैं कि सपोज वह के लिए भी सही है। तो ये मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ, लंबा क्वेश्चन है। आप कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स किया था कि सर आप जब स्क्रीन शॉट की बात करते हैं तो थोड़ा टाइम दिया कीजिए करके, शायद मैं जल्दी बोल देता हूँ इनकी स्क्रीन शॉट कर लो करके। वैसे आप समझ रहे हो तो बिना देखे बना भी सकते हो, मैथ्स है और फिजिक्स में तो नोट्स प्रोवाइड कराता ही हूँ मैं, फिर भी जिनको स्क्रीन शॉट लेना है इसका, यहाँ तक स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है। अब मैं आपको इसका इसको इरेज करता हूँ और इसको आगे बढ़ाता हूँ। अब हम सपोज कर लेंगे कि सपोज हमारा जो रिलेशन है वह n इक्वल टू k के लिए भी सही है। इसके यहाँ तक 1 और 2 के लिए हम पहले दिखा देते हैं, यही मैथमेटिकल इंडक्शन का। देखिए आप इस एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए। मेरा हमेशा से मैथमेटिक्स में मानना है कि स्टूडेंट यदि एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को टीचर से बहुत अच्छे से समझता है तो उसके बाद उस तरह के सारे क्वेश्चन उसे बनना चाहिए, उसी को समझना बोलते हैं। अदरवाइज मैं 50 क्वेश्चन कराया आपको और आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे फिर आप समझ नहीं रहे। 1 क्वेश्चन इज मोर देन सफिशियंट फॉर क्लियर योर कॉन्सेप्ट, एक को अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन अब आप सपोज कर लेते हैं कि सपोज लेट इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, इतना हिंदी मीडियम वाले अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि बाइलिंगुअल क्लास है मेरा। लेट इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, दैट मीन्स माना कि यह एन इक्वल टू के लिए भी सत्य है, माना कि यह एन इक्वल टू के लिए भी सत्य है, तो देयर फॉर हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, देयर फॉर ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा का होल पावर, एन को क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, अब हम के लिख सकते हैं क्योंकि हम इसको के लिए सही मान रहे हैं, तो आगे भी हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा कॉस, अब एन के जगह के, ये हमने कंसीडर किया है कॉस के थीटा माइनस साइन के थीटा, और ये भी हो जाएगा साइन के थीटा, ये कॉस के थीटा। ये अब ये हमने सपोज किया है, माना है, लेट मतलब माना है। अब इसको हम के प्लस वन के लिए भी प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये जो रिलेशन है वह के प्लस वन के लिए भी सही है। जब इसको हम के प्लस वन के लिए सही दिखा देंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि वह सभी के लिए सही है। तो के प्लस वन के लिए कैसे प्रूफ होगा, यदि इसको मेरे को के प्लस वन करना है तो इसके साथ इसी का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर। तो अब अगेन हम ले लेते हैं यहाँ पर इस साइड को, इसको मैंने ले लिया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा का पावर के, और इनटू इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया इसी चीज़ का, तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इसका मल्टीप्लाई, इसका पावर वन है, इसका पावर वन है,
दैट मीन्स जब इसको हम के प्लस वन लिखेंगे, या मैं थोड़ा लिखने के तरीके को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ऐसा, ये भी ठीक है। लेकिन मैं सीधा शुरू से इसको के प्लस वन लिख दिया, ये के प्लस वन लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड को, तो यहाँ पर मैं के जगह के प्लस वन लिख दिया। अब मेरे को राइट हैंड साइड को सॉल्व करके जहाँ जहाँ के है, जहाँ जहाँ के वहाँ पर के प्लस वन लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, के प्लस वन लिखा, मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब इसको लिख सकता हूँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा का पावर के इंटू प्लस वन को अलग से लिख दिया मैं यहाँ पर, तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ये अब आप समझ गए कि इतने का पावर के प्लस वन, उसको हम लिख सकते हैं इतने का पावर के इंटू इतने का पावर वन, मतलब के प्लस वन ऐसा। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कुछ भी नहीं करेंगे, राइट हैंड साइड को हम मल्टीप्लाई करके, राइट हैंड साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करने के बाद हम जहाँ जहाँ पर के आया है, जहाँ जहाँ पर के आया है वहाँ पर हम क्या ला सकते हैं, के प्लस वन ला सकते हैं। देखिए इसका जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ सपोज किया है कि के लिए सही है, तो पावर के को हमने इतना माना हुआ है, तो इसके जगह हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं। अब उसको लिख दिया अपन कास के थीटा, इसका पावर के जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं राउंड कर दूँ तो आपको ढंग से समझ में आएगा, ये जो वैल्यू है वह इसके पावर के इक्वल है, तो इसका पावर के है, तो इतने के जगह में हम इसको लिख सकते हैं। तो उसको मैं लिख रहा हूँ कास के थीटा माइनस साइन के थीटा, साइन के थीटा और कास के थीटा इंटू, अब इसका क्या करेंगे, इंटू कर दिए कास थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा। अब ये दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, दैट इक्वल, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं राइट हैंड साइड का। देखिए मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे अपन, इस रो का इस कॉलम के साथ कास के थीटा इंटू कास थीटा, कास के थीटा इंटू कास थीटा हो गया, माइनस साइन के थीटा और इंटू साइन थीटा, ठीक है। नीचे के एलिमेंट्स में आ जाएंगे, साइन के थीटा इंटू कास थीटा, साइन के थीटा इंटू कास थीटा प्लस कास के थीटा इंटू साइन थीटा, कास के थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम इसके साथ में चले आएंगे, तो कास के थीटा माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस कास के थीटा। मल्टीप्लीकेशन आपको बहुत सावधानी से करना है ना, यहाँ मिस्टेक हो जाता है। इसके बाद माइनस कास के थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, मल्टीप्लाई करना भूल गया ना, कास के थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा इंटू कास थीटा, ये हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे अब उसके साथ में, तो साइन के थीटा साइन के थीटा, और ये माइनस में आएगा, माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा और कास के थीटा माइनस कास के थीटा माइनस कास के थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। एक बार चेक करता हूँ, देखिए तो सेकंड रो को मैं साइन के थीटा इंटू साइन थीटा कास के थीटा, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, यही बोर्ड में इधर देखो उधर देखो तो यही प्रॉब्लम आ जाता है, कंटिन्यूस रहता है लेकिन स्पेस का प्रॉब्लम होता है। चलिए एक बार यहाँ से देखिए, हम ये सेकंड फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कर चुके, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कर चुके इसके साथ में, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कर चुके इसके साथ में, नीचे लिख दिया। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, कास्ट चेक करिए वहाँ पर,
कॉस के थीटा साइन थीटा माइनस में कॉस के थीटा साइन थीटा, अब इसके बाद होगा माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कर लिया तो फर्स्ट रो का हमने सेकंड रो का मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ में, क्लियर। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ में, अब इसका मल्टीप्लाई कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, मल्टीप्लीकेशन में प्रॉपर केयर करना है। फिर क्या है, यहाँ से देखो वहाँ से देखो थोड़ा दिक्कत होता है, कंटिन्यूस फ्लो में रहे तो ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला अप्लाई होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या फार्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए का वैल्यू अपने पास क्या है के थीटा, और बी का वैल्यू है थीटा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर यदि मैं माइनस को दोनों में से कॉमन कर लूँ तो कॉस ए साइन बी प्लस हो जाएगा ये साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, तो हो जाएगा साइन के थीटा प्लस थीटा, क्लियर। यहाँ पर साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये भी किसका फार्मूला है, साइन ए प्लस बी, ए का वैल्यू के थीटा है तो के थीटा प्लस थीटा। और यहाँ पर आप देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फिर कहे का फार्मूला है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है। कॉस ट्रिग्नोमेट्री के सब फार्मूला प्रॉपर याद रहने चाहिए तभी बनेगा ना ये, दैट इक्वल। अब आगे इसको हम सॉल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस, इन दोनों में से मैं थीटा कॉमन कर लिया तो थीटा कॉमन कर लूँगा तो क्या बचेगा, के प्लस वन को पहले लिख देता हूँ, के प्लस वन थीटा माइनस साइन, यहाँ से भी थीटा को कॉमन कर लें तो आएगा के प्लस वन इंटू थीटा, यहाँ से भी थीटा को कॉमन कर लें तो साइन के प्लस वन इंटू थीटा, और यहाँ से भी कॉमन कर लें तो आएगा कॉस के प्लस वन इंटू थीटा। अब आप अपने रिलेशन को देखिए कि जब हमने इसका पावर k प्लस वन ले लिया, मतलब यहाँ पर n के पावर को k प्लस वन ले लिया, तो यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ k प्लस वन आना चाहिए। देखिए ये यहाँ पर है cos n थीटा तो cos k प्लस वन थीटा, यहाँ पर माइनस साइन n थीटा तो k प्लस वन थीटा, n तो k प्लस वन थीटा, यहाँ भी k प्लस वन थीटा। तो आगे हम लिख देंगे विच इज ट्रू फॉर Which is true for k plus 1, जो कि k plus 1 के लिए भी सत्य है। तो इस प्रकार से यह रिलेशन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस। एक बार प्रोसेस को आपको रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अपने दिए रिलेशन को 1 के लिए प्रूफ करके दिखा देते हैं, फिर 2 के लिए भी प्रूफ करके बता देते हैं, फिर उसको हम मान लेते हैं कि माना कि वह k के लिए सही है, फिर उसकी सहायता से हम उसको k प्लस वन के लिए भी सही बता देते हैं। यदि वो k प्लस वन के लिए भी सही आ जाए तो हमारा रिलेशन क्या होता है, सही हो जाता है। इस मेथड को मैथमेटिकल इंडक्शन या हिंदी में बोलते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत। तो ये एक रेयर क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करिए, इसके मेथड को आप अपने दिमाग में बिठाइए, सब क्वेश्चन का मेथड वही रहेगा, वन के लिए, टू के लिए, फिर के लिए, फिर के प्लस वन के लिए, क्लियर। तो यहाँ पर ये कंप्लीट मैं करता हूँ मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, और एक न्यू टॉपिक अब अपन स्टार्ट करते हैं, वो है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज हिंदी में बोलते हैं परिवर्त, और यहाँ से मैट्रिक्स का एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, क्लियर। मैट्रिक्स में दो तीन जगह अपन चेंज देते हैं, एक ट्रांसपोज निकालना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एडजॉइंट निकालना, इन्वर्स निकालना, नियर अबाउट 4 या 5 वीडियो में इसका सिलेबस कंप्लीट होगा, क्योंकि मैं हर टॉपिक को कवर करूंगा, पूरा 100% पढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे पढ़ाने के बाद कहीं आपको मैट्रिक्स में या किसी भी टॉपिक में, जो भी टॉपिक मैं लूंगा उसमें कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स।
परिवर्त आव्यु ये क्या होता है, देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इस तरह से एक मैट्रिक्स में लिया, सपोज इसके एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23 और ये है A31, A32, A33। ये है हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए, देयरफॉर इसका जो ट्रांसपोज होता है उसको A^TRa' इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी फॉर ट्रांसपोज A^TRa या A' जनरली हम टी कहाँ लिखते रहेंगे तो A' से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका ट्रांसपोज कहलाता है। और ट्रांसपोज होने का मतलब क्या है कि ट्रांसपोज का सीधा मतलब है इसका जो रो है, इसका जो रो है उसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। मतलब किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम बना देना उसका क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। मतलब हम इसको क्या लिख दें, इसको हम लिख दें A11, A12, A13 और इसको हम सेकंड कॉलम बना दें A21, A22, A23, इसको थर्ड बना दें A31, A32, A33, क्लियर। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी दिए गए मैट्रिक्स के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देने से जो नया मैट्रिक्स बनता है वह उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज या हिंदी में क्या कहलाता है, परिवर्त आव्यूह कहलाता है। ठीक है, इसको परिवर्त आव्यूह कहते हैं। अब यहाँ पर हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, आज मैं इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। मेरा टेक्निक यही है, आप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, मेरा रेगुलर वीडियो देखते होंगे। तो आज मैं ट्रांसपोज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी प्रॉपर्टीज बता दूँ, कुछ प्रॉपर्टीज मतलब इसके गुण कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पर नोट कराता हूँ, आप उसको नोट कर लेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट A' इक्वल टू A होता है। नेचुरली आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज, एक ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज कर दें तो A के इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अभी इसके रो को कॉलम बना दिया फिर इसका ट्रांसपोज बोलूँगा तो फिर कॉलम रो बन जाएगा और हम उसी मैट्रिक्स में चले जाएंगे। तो पहला प्रॉपर्टी आप ये याद रखेंगे A' होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, ये A होता है। सेकंड इसका प्रॉपर्टी है कि सपोज A+B का होल ट्रांसपोज जो होगा यदि A और B इक्वल ऑर्डर के हों, ठीक है, तो यह हो जाएगा A'+B'। यहाँ पर ध्यान रखना A तथा B समान क्रम के इक्वल ऑर्डर के क्या हों, मैट्रिक्स हों, अलग अलग होंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो A+B का होल नॉट इक्वल टू हो जाता है A0+B0। थर्ड प्रॉपर्टी है कि यदि A का जो ऑर्डर है वो m×n हो और B का जो ऑर्डर है n×p हो, इस तरह से हो, जैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का शर्त है कि इसका जो कॉलम है इसका रो के इक्वल होना चाहिए। यदि इस फॉर्म में हो तो इसकी प्रॉपर्टी होता है A×B का जो होल नॉट होता है वह B0×A0 के इक्वल होता है। मतलब दो मैट्रिक्स का यदि हम मल्टीप्लाई कर दें और उसका यदि हम होल ट्रांसपोज निकालें तो वह B0×A0 के इक्वल होता है। यह प्रॉपर्टी आपको लर्न करके रखना है, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में जो आप मेरा क्वेश्चन देखेंगे वो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्लियर। और फोर्थ प्रॉपर्टी है इसका K×A का होल नॉट K×A0 होगा, ये कॉमन बात है। मतलब कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट का किसी मैट्रिक्स के साथ में इसका होल ट्रांसपोज निकालेंगे तो कांस्टेंट अलग हो जाता है, इसका ट्रांसपोज हो जाता है। तो ये फोर प्रॉपर्टी आप ट्रांसपोज का याद करके रखेंगे। इसके बाद इसमें मैं आपको कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, उसको बहुत अच्छे से लर्न करना है और उसके बिना आपको आगे का फिर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए उस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज के बेस पर हम
ट्रांसपोज के बेस पर हम स्क्वायर मैट्रिक्स के वर्ग अवयव के कुछ प्रकार पढ़ रहे हैं ट्रांसपोज के बेस पर, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स पहले आपको पढ़ाया जा चुका है, वर्ग अवयव क्या होता है जिसके रो और कॉलम इक्वल होते हैं इसमें। तो यहां पर मैं आपको सबको पहले वन बाय वन समझा दूं, फिर लास्ट में मैं आपको एक चार्ट बनाने के लिए बोलूंगा, की पॉइंट चार्ट, उस चार्ट को आप बना लेंगे तो फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहला देखिए, पहला जो हमारा इसका टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हिंदी में इसको बोलते हैं अपन सममित अवयव, सममित, इसको बहुत ध्यान से समझने का है। और जिस पैटर्न पर मैं समझा रहा हूं उस पैटर्न पर ही इसका आप नोट्स तैयार करिए, या हो सके तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सिमेट्रिक अवयव या सममित अवयव किसको कहते हैं, इस अवयव का मतलब होता है कि ये इसकी प्रॉपर्टी है ए डैस इक्वल टू ए हो, ए डैस इक्वल टू ए, ये इसकी प्रॉपर्टी। इस तरह से आप इसका नोट्स बना लीजिए, आप इसको चाहे तो चार्ट फॉर्म में आप प्रिपेयर कर लेंगे। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है ए डैस इक्वल टू ए, मतलब यदि कोई हमारे पास मैट्रिक्स हो और उस मैट्रिक्स के यदि हम ट्रांसपोज निकालें तो ट्रांसपोज निकालने पर जो नया मैट्रिक्स बने वो सेम टू सेम वही बने, तब हम उसको क्या कहेंगे, उसका सममित अवयव कहेंगे। यहाँ पर इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। सपोज ए इक्वल टू, अपने पास कोई मैट्रिक्स है तो ए इक्वल टू 1 2 3 2 5 7, 1 2 3 2 5 7 एंड 3 7 4 3 7 4, ये सपोज मैं एक एग्जाम्पल लिया, ये ए है। अब सपोज मैं यहाँ पर इसका ए डैस निकाला, दैट मीन्स इसका ट्रांसपोज निकाला, तो ध्यान दीजिए जब इसका मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो रो है वो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। तो कॉलम बना दीजिए इसको 1 2 3, यहाँ लिख दें 1 2 3, 2 5 7 को भी हम कॉलम बना दें 2 5 7, इसको भी बना दें 3 7 4। अब यहाँ पर देखिए इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को कंपेयर करिए, इसके सभी रो को हमने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया, तब भी मैट्रिक्स वही है 1 2 3 1 2 3, 2 5 7 2 5, ऐसे बनाया गया है इसको, ऐसे अरेंज किया गया है, और 3 7 4 3 7 4, मतलब मैट्रिक्स के रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाने पर मैट्रिक्स में कोई चेंज ना हो, मतलब हम इसको अगेन क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ये जो रेड इंक से बॉक्स से मैं रखा हूँ इसको आप लर्न करिए, वैसे इसका एक चार्ट बना लो आप फाइनली छोटा सा अपने नोट्स में तो आपके लिए बहुत सहूलियत है, या जिस पैटर्न पर मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा भी ध्यान रखिए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, ऐसा अवयव जिसका ट्रांसपोज स्वयं के इक्वल हो, मतलब ट्रांसपोज करने पर भी उसमें कोई चेंज ना हो, वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, क्लियर। इसके 6 टाइप है, बहुत ध्यान से समझना है इसको आपको, ये आगे के टॉपिक का सब कुछ है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि कई बार हमको मैट्रिक्स की आइडेंटिटी पूछता है कि वो किस टाइप का मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक और हिंदी में इसको बोला जाता है, हिंदी नाम है भूल गया, हिंदी का नाम होता है विषम सममित, विषम सममित, विषम सममित अवयव बोला जाता है। अब अवयव नहीं लिख रहा हूं मैं, स्क्यू सिमेट्रिक हिंदी बोलते हैं विषम सममित, और इसकी प्रॉपर्टी है ए डैस इक्वल टू माइनस ए, ए डैस इक्वल माइनस ए, ये इसकी प्रॉपर्टी है विषम सम। इसका एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअल में सिंगल एग्जांपल में बताया नहीं जा सकता, मल्टीप्लीकेशन करने या कुछ क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको उसको बताऊंगा। वहां पर बात आपको समझा देता हूँ कि सपोज हम किसी मैट्रिक्स का क्या किए, ट्रांसपोज निकाले, तो ट्रांसपोज निकालने पर वो पूरा मैट्रिक्स क्या है, निगेटिव हो जाए, वो निगेटिव हो जाए तब हम उसको क्या कहेंगे,
स्क्यूसीमेट्रिक्स कहेंगे। क्लियर, तो आप ध्यान रखना। थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर किसका टाइप है? आइडेम्पोटेंट और हिंदी में इसको बोला जाता है सम और ये वाला सम। थोड़ा ध्यान को, नाम को ध्यान रखना पड़ेगा ना। ये आइडेम्पोटेंट सम अवयव। तो सम अवयव का प्रॉपर्टी क्या होता है? यहां पर ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इसकी प्रॉपर्टी है ए स्क्वायर इक्वल टू ए। मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर इक्वल टू ए का मतलब हुआ कि सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का स्क्वायर किए, मतलब खुद का खुद के साथ में हमने उसका मल्टीप्लाई किया, और खुद का खुद के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वह उस मैट्रिक्स के इक्वल। समझ गए होंगे, इस पर क्वेश्चन कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। आज तो मैं केवल फंडामेंटल बता रहा हूँ, लेकिन ये आपको लर्न करना है पहले। तो यदि किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर पुनः वही मैट्रिक्स आए तब हम उसको क्या कहते हैं? सम कहते हैं। हम एग्जांपल इसका देने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन कल कराऊंगा तो क्लियर रहेगा। आप प्रॉपर्टी लर्न करिए पहले, प्रॉपर्टी को आप रटिए। फोर्थ नंबर का इसका प्रॉपर्टी है, नाम है इनवेलेटरी और हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिकेंद्रज। नाम थोड़ा उलटपटांग है ना, आपको याद रखना पड़ेगा। इनवोलेटरी या प्रतिकेंद्रज, हिंदी में प्रतिकेंद्रज बोलते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी है ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ये इसकी प्रॉपर्टी है। मतलब प्रतिकेंद्रज अवयव हम किस तरह के अवयव को कहेंगे? यदि हम किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई खुद के साथ किए, उसके स्क्वायर किए, जैसे यहाँ पर कर रहे हैं, तो रिजल्ट आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। वो क्या हो? मतलब तत्समक, क्या हो? तत्समक अवयव। तत्समक मतलब डायगोनल में वन वन हो, आपको पहले पढ़ा चुका हूँ मैं उसका, शुरुआत में जब मैट्रिक्स के टाइप पढ़ाया था। तो ये प्रतिकेंद्रज कहलाएगा, ठीक है। तो ये इसका फोर्थ टाइप है। इसके बाद हम इसके देखते हैं फिफ्थ टाइप है इसका शून्य सम, नीलपोटेंट और हिंदी बोलते हैं शून्य सम अवयव। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, नाम से स्पष्ट है, कोई भी मैट्रिक्स है सपोज ए, उसका कोई भी पावर निकाल दो। यहाँ एम का मतलब है कोई भी इंटीजर, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू दी पावर थ्री, मतलब किसी मैट्रिक्स का हम घात में कोई मान निकालें तो क्या हो जाए? वो शून्य हो जाए। उसका रिजल्ट हमेशा क्या है? जीरो आए, तब हम उसको शून्य सम कहेंगे। नाम से स्पष्ट है शून्य सम का मतलब होता है ये वाला भी शक्कर का सा होता है, ध्यान रखना भाई, वैसे कुछ मैथमेटिक्स में ऐसा चलता है। तो ये a टू दी पावर m इक्वल टू जीरो मतलब क्या हुआ, समझ गए? किसी भी मैट्रिक्स का अब कोई भी पावर निकालो, m का मतलब एनी पावर, 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो वैल्यू क्या आए? जीरो आए, तब वो क्या कहलाता है? शून्य सम कहलाता है। और लास्ट सिक्स टाइप है इसका आर्थोगोनल लाम्बिक, सिक्स टाइप है आर्थोगोनल। लाम्बिक और लाम्बिक अवयव की प्रॉपर्टी है ए ए डैस इक्वल टू ए डैस ए इक्वल टू आई, ये इसकी प्रॉपर्टी। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, हम उसको उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं या इसके ट्रांसपोज के साथ, एक ही मतलब है, तो जो रिजल्ट आएगा वो आइडेंटिटी हो, तत्समक हो, मतलब इस तरह से हो आई आ जाए। लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब खुद का खुद के साथ मल्टीप्लीकेशन है, और यहाँ पर खुद का अपने ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लीकेशन है, उसके परिवर्त के साथ। तो ये सिक्स टाइप है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, इसलिए मैं आज के क्लास में ओनली इसके कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इसका क्वेश्चन निकाल रहा हूँ।
लेकिन आप समझ गए होंगे कि नेक्स्ट क्लास में जब आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे मैट्रिक्स का, और यदि ये चीज़ आपको प्रिपेयर्ड नहीं है, सपोज हमको क्वेश्चन को प्रूव करना होगा कि सिद्ध कीजिए कि यह आव्यूह लाम्बिक आव्यूह है, और फिर आपको लाम्बिक आव्यूह का क्या है इसका प्रॉपर्टी याद नहीं है, यह प्रॉपर्टी याद नहीं है, या सिद्ध कीजिए कि दिया गया जो आव्यूह है सम सम है, तो आप क्या प्रूफ करोगे? आपको तो यही पता नहीं रहेगा कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए लाना होता है सम सम में। तो ये आप इसको तैयार कर लीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बल्कि आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि कॉलम के फॉर्म में बना लीजिए, जैसे हम अपने नोट्स में ऐसी बना के रखते हैं, इसी तरह के नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये ऐसा कॉलम बना दीजिए, यहाँ पर उसका नाम लिख दीजिए और यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी, ये आव्यूह ऐसा प्रॉपर्टी, ये आव्यूह ऐसा प्रॉपर्टी, तो एक छोटा सा चार्ट बना के आप रख सकते हैं, या मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा डिटेल में समझाया वैसा आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। हम अपने नोट्स में जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसा छोटा सा की पॉइंट बना के रखे हैं, लेफ्ट साइड में हमने लिख दिया आव्यूह का नाम, समझ गए होंगे आप, लेफ्ट साइड में आव्यूह का नाम लिख दिया, और राइट साइड में मतलब यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऐसा लिख दूंगा सम सम, और राइट साइड में लिख दूंगा ए स्क्वायर इक्वल टू, बहुत जल्दी लर्न हो जाता है, बाकी आपका अपना तरीका हो सकता है। तो ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, क्योंकि आपको ये काम आएगा, ये आपको एक प्रकार इसको आपको रटना है, याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ, सिक्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्लास में आप हमारे वीडियो में देखेंगे इस पर रिलेटेड क्वेश्चन और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट फाइंड करना, सहखंडज। ओके, थैंक यू।